हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ। आज हम पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा। देखिए, हमारा जो भी दिया गया क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि यू इज इक्वल टू ए बी जीरो जीरो और ए बी एलिमेंट जेड मैट्रिक्स वाले दिए हैं और आर इज इक्वल टू जो भी दिया है ए बी और जीरो सी और ए बी जो भी है एलिमेंट जेड में एक गुणजा वाली है ना, ये हमें प्रूव करना है ना। तो देखिए, यहाँ पर यदि आप इस YouTube प्लेटफॉर्म पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आएगा और मुझे और न्यू वीडियोज बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहता है, क्योंकि ये काम फ्री का होता है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो देखिए, जो भी हमें पहले दिया है यू इज इक्वल टू ए बी जीरो जीरो ए बी एलिमेंट जेड, वो हमने लिख दिया। यहाँ पर देखिए, यदि हम यहाँ पर ए बी एलिमेंट जेड दिया, यानी कि ए बी एलिमेंट, यदि हम यहाँ पर इसको ए के रूप में माने तो यहाँ पर ए वन बी वन ले, है ना। तो ए इज इक्वल टू ए वन बी वन जीरो जीरो, ये हम गुणजावली में आपने थ्योरी में पढ़ा होगा कि यदि हमें कोई भी यू दे हम इस प्रकार मान सकते हैं, गुणजावली की जिस पे मुख्य गुणजावली की थ्योरी होती है ना। तो यहाँ पर देखिए, यदि हम बी के रूप में माने तो यहाँ पर ए वन माना था मैट्रिक्स के लिए जो भी स्तंभ में, यहाँ पर हम ए टू और बी टू मानेंगे, है ना, और जीरो जीरो में दो अवयव माने, है ना। तो इस प्रकार ये हो गया। अब देखिए, यदि ये एलिमेंट यू के बराबर होंगे, क्योंकि ये यहाँ पर दिया है ए एलिमेंट बी एलिमेंट दोनों जेड के हैं तो यू के भी हो जाएंगे, तो ये मैट्रिक्स की वो गुणजा वाली थ्योरी से हम सिद्ध कर सकते हैं। और यदि ए माइनस बी भी हो जाए तब तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, ए माइनस बी का करते हैं, यदि हम ए माइनस बी यानी कि इसमें से ये घटाए ए माइनस बी, यानी ए के क्या है ए वन बी वन जीरो जीरो माइनस बी वन, यानी बी क्या है ए टू बी टू जीरो जीरो इज इक्वल टू, यहाँ से घटा देंगे ए वन माइनस ए टू हो जाएगा, यहाँ से बी वन माइनस बी टू हो जाएगा और जीरो में से जीरो जाएगा, जीरो ही रहेगा, है ना। तो इस प्रकार ये हमारे आ गया ग्रुप। और यदि हम सी यहाँ पर आर का कोई अवयव मान ले, देखिए देखिए यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन में दिया है कि ए बी एलिमेंट ए बी जीरो सी, ये इसको हमने जो भी आर का अवयव है इसको हमने सी के रूप में माना। तो देखिए, यहाँ पर सी इज इक्वल टू ए बी सी जीरो जीरो, ये वाले आर का अवयव माना है ना, तो ये हम मान सकते हैं। जो भी आपने थ्योरी पढ़ी होगी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में, ये पूरी इक्वेशन एक्सरसाइज सॉरी थ्योरी पर ही है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यदि हम ये हो जाए तब हम क्या करेंगे, सी ए निकालेंगे और ए सी निकाल देंगे। यदि ये दोनों बराबर हो जाए तब ये मुख्य गुणजावली के रूप में वो हो जाएगी। एक तो हमें ये माइनस बी निकालना पड़ता है, तो यहाँ पर देखिए सी ए निकालते हैं, तो सी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए सी ए इज इक्वल टू ए बी जीरो सी, ये तो सी लिख दिया हमने, सी ये है ना, और ए क्या है, ए हमने वो ऊपर लिखा था ए वन बी वन जीरो जीरो। अब देखिए, इनका गुणा कर देंगे, फर्स्ट फर्स्ट पंक्ति का फर्स्ट या ऐसे गुणा कर देंगे और फर्स्ट का ऐसे गुणा कर देंगे सेकंड स्तंभ से, फिर सेकंड पंक्ति का फर्स्ट स्तंभ से और सेकंड पंक्ति का सेकंड स्तंभ से। तो इस प्रकार ये मैट्रिक्स रूप में कर देंगे, तो ए वन आ जाएगा जीरो, ए वन बी और बी वन सी जीरो जी एलिमेंट यू, ये भी मानना पड़ेगा क्योंकि ये हमेशा हो गई ये थ्योरी से। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए वन एलिमेंट जेड और ए वन बी एलिमेंट जेड, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार ए सी भी निकाल दिया हमने, ए सी की देखिए ये ए आगे आ जाएगा और सी पीछे आ जाएगा, इस प्रकार यहाँ पर भी गुणा कर दिया, तो ए वन ए यहाँ पर हो जाएगा, ए वन ए और यहाँ से जीरो हो जाएगा, फिर बी वन सॉरी इसका फिर हो जाएगा यहाँ पर भी जीरो, यहाँ पर भी जीरो, ये जीरो आ जाएगा ये देखिए, और इसका हो जाएगा ए वन बी वन और ये जीरो, इस प्रकार ये एलिमेंट यू बी यू हो जाएगा और एलिमेंट जेड के रूप में ये सिद्ध कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो ए एलिमेंट यू था ये आपने पहले भी सिद्ध कर सके और बी एलिमेंट भी यू हुआ, तो ए माइनस बी एलिमेंट भी यू हुआ। इस प्रकार ए एलिमेंट यू था, सी एलिमेंट आर माना हमने, आर का कोई अवयव है, तो इस प्रकार ए एलिमेंट यू था तो सी एलिमेंट जो हमने गुणा किए वो भी यू निकला, तो यू आर में एक गुणजावली है। यदि थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और मिलते हैं एक नए वीडियोज के साथ।